देखा दुबल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 के जापानी पार्क में, जहां आज डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इतनी बड़ी यहां संगत लगाई गई है। और ये संगत इसीलिए लगाई गई है क्योंकि यहां से नशा मुक्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद है। ये वो श्रद्धालु है जो राम रहीम अपने गुरु में असीम आस्था रखते हैं। ये वो श्रद्धालु है, आप देख सकते हैं पंडाल के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ी हूँ। आप इस तरफ नजर दौड़ाएंगे, चारों तरफ आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है इस पंडाल के अंदर, बल्कि पंडाल छोटा पड़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि पंडाल के बाहर भी धूप में यहाँ श्रद्धालु मौजूद है। आपको दिखाएंगे किस तरह से नशा मुक्त अभियान यहाँ से चलाया गया है और राम रहीम जो इनके गुरु है डेरा सच्चा सौदा के, वे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं अपने श्रद्धालुओं से। कुछ बच्चों ने अपना पर्ची लिख के भेजी है। ये है जी संतोष इंसा खनोरी संगरूर से, ये लिखते हैं कि मैं गुरुजी 2016 से नशा करता था, शराब, समैक, अफीम, बुक्की, चिट्टा, सारे नशे कर करके मैंने अपनी नशे कम कर ली। मैं अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों में 11-11 महीने तक भी रहा, लेकिन मैं वहाँ नशा नहीं छोड़ सका। 8 नवंबर 2022 को भंडारे पर नशा छोड़ने का प्रसाद लिया, उसके बाद नशे से ऐसी नफरत हो गई कि नशा टॉयलेट जैसा लगता है। अब मैंने नशा छोड़ दिया है, नशा करना बिल्कुल बंद कर दिया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा धन्यवाद राम का जिसके नाम ने आपको नशा छुड़ाया। हम तो एक मादे हैं, फकीर हैं, आपको आशीर्वाद। तो बच्चों जो नशा छोड़ने आए हो, 6 करोड़ लोग नशा छोड़ चुके हैं, नशा छोड़ने के बाद ये सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा बहुत बड़ी बात है। स्वागत सुखबीरा जी। बेटा की अगर बात करें तो महिलाएं उसमें नंबर वन है। महिलाएं अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहती हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ ये पहुंचे, कब से जुड़े हैं और आखिर इस धर्म में इनकी कितनी आस्था है। नीरज जी, क्या लगता है आपको जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको क्यों जुड़ना चाहिए? एक तो ये अच्छाई है कि नशा पिता जी छुड़वाते हैं, सारी बुराइयां छुड़वाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा ही होता है। अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं होता उनके बारे में, ये गलत बात है, उनकी गंदी सोच है। मालिक के दोहरा के देखो, हमारे पिताजी के दोहरे में तो सब कुछ मिलता है। मालिक के जीवन में सब कुछ दिया, मालिक ने हमें सब कुछ दिया। हमारी ना दुनिया बदल दी बेटा, ऐसा करता था बेटा, आज ये बेटा हीरा बन रहा है, बिल्कुल हीरा। बेटे का नशा छूट गया, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहोगे, क्यों जुड़े लोग आखिर? अब मतलब यही तो जुड़ते हैं ना, भाई हमारा नशा छूटे, हमारी जिंदगी अच्छी बने, इसीलिए जुड़ते हैं। अब कितने जीवों ने बता नहीं रहे पिताजी, कितने जीवों ने नशा छोड़ा है, लड़की भी नशा कर रही है, उन्होंने भी नशा छोड़ा है। वो खुद कह रहे हैं यहाँ के कि बापू हम नशा करते हैं, सुई लगाते हैं, जब हमारी ना नशा मर गई, सुई नहीं लग रही, वो नशा छोड़ रहे हैं। अब आके बैठे हमारे मालिक के द्वारा आके देखो, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है बेटा, सब कुछ मिलता है। ये ना हमारे जो कितने लोग फॉलो करते हैं ये देख रहे हैं। अच्छा आप मतलब लिस्ट बना रहे हो? हाँ, ये एक टाइप का सर्वे ही मान सकते हो, जैसे यहाँ पे कितने लोगों ने फॉलो करते हैं वो देख रहे हैं। अच्छा फॉलो करने वाले लोगों की आपकी लिस्ट बना रहे हैं, इसका क्या फायदा होता है? यहाँ के लोगों के बारे में पता लग जाता है, जैसे आप इंटरव्यू वीडियो बना रहे हैं, इससे आप भी वीडियो डाल देते हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं ये जो गुरु जी है। आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी चीजें जो है वो सेल की जा रही है, सभी MSG के ही प्रोडक्ट है। ये हनी है, इस पर भी आप देख सकते हैं MSG हनी। और उसके अलावा अगर यहाँ मसाले मौजूद हैं, ये मसाले आप देख सकते हैं, ये भी MSG के मसाले हैं। यहाँ पर जो भी चीज रखी है, ये फॉर्चून है, ये आप देख सकते हैं MSG का है। राइस ब्राउन ऑयल है, ये आप मस्टर्ड ऑयल देख सकते हैं, इस पर भी MSG।
की मोहर जो है वो लगी हुई है, टैग लगा हुआ है। मतलब यहाँ जितने भी प्रोडक्ट मौजूद है सभी MSG कंपनी के हैं, जो कि डेरा सच्चा सौदा की है। ये देख सकते हैं आप, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नाम की ये बुक है, सतलोक का संदेश भाग 4। मतलब इसमें सतलोक के बारे में बताया गया है कि सतलोक क्या है और वो कैसे चलता है। एक छोटा सा भाई सभी लोगों के